सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आपके सामने स्क्रीन पे देखिए आज एक कृषि मेला लगा हुआ है, जहाँ पे पराली प्रबंधन का विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि धान का सीजन भी आ रहा है तो पराली एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारे किसानों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी। तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए जो है कृषि के बहुत प्रकार के वैज्ञानिक जो है आज आए हुए हैं प्रदर्शनी में। वो उन्होंने जो चीज़ें बताई साथियों, उनको मैं आप तक प्रयास करता हूँ पहुँचाने का। तो देखिए, ट्रैक्टर्स भी जो है इस प्रदर्शनी में आए थे, जो ये हल देख रहे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सदैव ट्रैक्टर्स कंपनियां जो है इसी के माध्यम से, जहां पे ज़्यादा किसानों का मेला लगता है, किसान आते हैं तो वहां पे प्रदर्शनी में लगाती हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस कंपनी की ट्रैक्टर की क्षमता क्या है, इस हल का क्या लाभ है। और साथ ही में जो प्राइवेट स्टार्टअप करने वाले हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में, उन लोगों को भी इन्वाइट किया जाता है। सामने आपके दिख रहे हैं ईशान एग्रो कंपनी से, जिनका अपना खुद का इन्होंने स्टार्टअप किया है कंपनी का, तो वो भी आए हैं प्रदर्शनी में। इन्होंने आदम चीनी चावल, यदि आपके पास है तो ये जितना है उतना खरीद लेंगे साथियों, और अच्छे रेट पे खरीदेंगे। तो आदम चीनी, जैसा कि जानते हैं आप लोग, जीआई टैग भी मिल चुका है। और देखिए ये सामने आपके जीरो ड्रिल है साथियों, इसकी खासियत यह होती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पराली आपके खेत में कितनी है, नहीं है। अगर पराली ज़्यादा भी है तो ये आगे वाला हल उसे हटाते हुए मिट्टी को 4 से 6 इंच, जो है 2 इंच तक भी मान लीजिए, उसको खनते हुए नीचे बीज को, सीड्स को जो है ज़मीन में गिराते हुए, और पीछे से उसको बीज को डालते हुए, फिर पाटते हुए साथियों चला जाएगा। क्योंकि जानते हैं आपकी दलहन की और गेहूं वगैरह की ऐसी फसल होती है जो जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, उनको उगने के लिए थोड़ी बहुत नमी की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें गेहूं के ही सीजन में सक्सेस हो पाती हैं। तो ये एक अच्छा है, जॉन डीरे की ट्रैक्टर ने जो है वो कंपनी ने भेजा हुआ है ट्रैक्टर की प्रदर्शनी में, ताकि किसान इससे आकर्षित हों और पराली प्रबंधन में भी अपना योगदान दे। बात हम आगे करेंगे साथियों जॉन डीरे का। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने अपने चैनल पर जो है जॉन डीरे का वीडियो डाल रखा है ट्रैक्टर का, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। साथ में आइसर कंपनी जो है कि बहुत ही सक्रिय है अपने चंदौली में, उसने भी जो है 3-3 ट्रैक्टर्स भेजे हैं, 2 इधर है एक इधर, देखिए। और जॉन डीरे का तो मान लीजिए है ही। उसके बाद जो ही आप आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आपको देखने को मिलेगा सुपर सीडर, अभी आपको आगे आएगा वो देखने को। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा स्टेज वगैरह देखिए, क्योंकि यहीं पर सब कार्यक्रम होने वाला। देखिए ये श्री विधि से धान की खेती किस प्रकार से होती है, आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के जो है जूम करके आप देख सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि श्री विधि क्या होती है, किस प्रकार से इसकी खेती हो सकती है। क्योंकि अच्छी विधि है, तकनीक अच्छी है, इस पर सरकार का भी पुरजोर प्रयास है। और साथ में साथियों मिलेट्स की भी प्रदर्शनी लगी हुई है, ज्वार बाजरा रागी रामदाना कुट्टू कोदो कंगनी कुटकी सांवा चीना तमाम प्रकार के साथियों लगी हुई थी प्रदर्शनी जो है। इसमें श्री अन्न योजना के तहत सरकार जो है, केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें जो है साथियों, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं किसानों तक अच्छी जानकारी। और तो दोस्तों, सरकार का यह पुरजोर प्रयास रहता है कि हमारे किसान को स्वस्थ भोजन भी मिले और स्वाद भी मिले। इसीलिए देखिए आपको आगे वीडियो में दिखेगा कि इस प्रकार के मिलेट्स से, यानी ज्वार से बने कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको खाने को और बनाने को मिल सकते हैं, उनका आप प्रबंध कर सकते हैं। और देखिए कुकरी बादशाह है, बुफरी बादशाह, और इस चिप्सोना एक आलू भी आती है साथियों, बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है चिप्स होना की, लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता। वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है जिसमें वो चिप्स वगैरह बनते हैं, तो वो खरीद ले जाती हैं, वो मार्केट में बहुत कम ही लोग उसको यूज करते हैं, ना के बराबर एकदम। ये उफरी बादशाह है, बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं घर पर साथियों। आलू का सीजन भी चल रहा है, प्रदर्शनी में आई हुई है, उद्यान विभाग की तरफ से ये आई हुई थी प्रदर्शनी में। साथ में ही आपको धनिया मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मूली है, मेथी है, ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे थी। और साथ में देखिए आदम चीनी चावल है साथियों, जीआई टैग मिला है आदम चीनी चावल को, आप लोग जानते ही हैं। तो ये हमारे जो ईशान कंपनी के जो डायरेक्टर हैं साथियों, जो जिन्होंने निर्माण किया इस कंपनी का, उन्होंने पुरजोर प्रयास करके हमें अपने माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आदम चीनी का यदि कोई, आदम चीनी चावल का यदि कोई खेती करता है तो उसका हम खेत पर से जाके जो है चावल खरीद लेंगे, घर से जाके उठा लेंगे उस चावल को साथियों, और अच्छे दाम पे। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका। साथ में DBW जो है 303 खुद भी धान बीज उगाते हैं साथियों, और उसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो बहुत अच्छी इनकी कंपनी है, आप लोग भी जो है इनसे ले सकते हैं। एड्रेस वगैरह चाहिए, नंबर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उपलब्ध करा दूंगा इस चीज़ को,
देखिए आदमचीनी चावल का पैकेट भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और साथ में ये देखिए साथियों, आप देखेंगे तो ये वेरायटी है, अभी आएगा MTU 7029 भी, उसमें और इस धान में अंतर आप लोग देखेंगे। तो MTU 7029 तो बेशक साथियों समय बहुत ज़्यादा लेती है तैयार होने में, 4 महीने तो ले ही लेती है वो, लेकिन पैदावार आप देखिए यही है MTU 7029। और पिछली पीछे पीछे जो है आप लोगों ने देखा वो दूसरी वेरायटी थी, मतलब बहुत अंतर होता है साथियों। तो MTU 7029 अपने आप में एक बहुत ही, देखिए अब यहाँ पे आ गया मिलेट्स वाला, एक मिलेट से मंडुआ से आप क्या क्या बना सकते हैं, है ना, पूरा एकदम विधिवत वहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। तो आप लोग चाहे तो ज्वार से देखिए लोकप्रिय मूल्यवर्धित उत्पाद क्या है, सब इसमें है, आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है साथियों। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मिलेट्स की जरूरत क्यों पड़ी, सरकार इतना पुरजोर प्रयास क्यों कर रही है कि श्री अन्न के तहत कि किसानों को जो है हमारे घर में, तो कोई देखिए साथियों, जैसे आप 1 किलो 2 किलो आटा जितना दिन में यूज करके आप प्रोटीन विटामिन जो भी उसमें मिलता है, चावल मान लीजिए या फिर दाल वगैरह मिलता है, आप 10 दिनों तक खा के 10 दिनों तक खा के उस चीज़ को पाएंगे, अपने शरीर में कमी को पूरी करेंगे। मिलेट्स जो है 5 ही दिन में उस चीज को, और आधा यानी 10 kg तो इसका 4, 5, 3 यही अंतर में साथियों आपको वो कमी पूरी कर देगा। इस वजह से जो है सरकार का ये प्रयास है कि मिलेट्स पे जोर दिया जाए, उसको जो है अपने किसानों तक, अपने जो गरीब तबका है मिडिल क्लास तबका है उसको इस चीज़ से अवगत कराया जाए। साथ में देखिए मसूर की वैरायटी है, गेहूं की भी वैरायटी है, तो और आगे चलेंगे आप लोग तो अभी और कुछ देखने को मिलेगा। गेहूं में दोस्तों बहुत सारे वैरायटी हैं, वीडियो में अभी जल्दी लाने वाला हूँ। यूपी डरमा है ये, डरमा साथियों बहुत ही कामिल चीज़ है, आप इसके बारे में सर्च करके देख लीजिएगा। धान उन में लेढ़ा वढ़ा लगता है तो उसमें भी, और चाहे बीज शोधन में भी यह बहुत काम देता है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चने की देखिए RBG 202 वेरायटी है, साथ में गेहूं की DBW 222 है, अच्छी किस्म है साथियों। गेहूं आप जब भी लगाएं तो 2 साल से अधिक, देखिए कण बंधना है साथियों, बहुत ही भयंकर उत्पादन है इसका जो है, अपने चंदौली में पूरी छाई हुई है, नई वेरायटी अभी आई हुई है, 1 साल 2 साल हुआ मुझे लग रहा है। तो जब भी आप बीजों को साथियों बोएं उसको जरूर से उसका बीज शोधन कर लें, और 2 साल से अधिक एक बीज को न प्रयोग में करें साथियों, उससे उसकी जो है क्षमता खत्म हो जाती है पैदावार की, 2 साल के बाद नया बीज लगा दें। ये देखिए किसान भाइयों आ गया सुपर सीडर जिसकी मैं बात कर रहा था, 6 क्विंटल से 10 क्विंटल तक जो है साथियों सुपर सीडर आता है, आप किसी भी प्रकार के जिस चीज़ की क्षमता